क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ये कैसे हो सकता है? किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर इंडिया? क्या मिस्टर इंडिया 2 में रणवीर सिंह बनेंगे मिस्टर इंडिया? क्या बोनी कपूर भी बनाना चाहते हैं मिस्टर इंडिया 2? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपना सिनेमा जॉब के लिए लेकर आई हूँ मिस्टर इंडिया 2 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बॉलीवुड के क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल के पिछले लंबे वक्त से चर्चा चल रही है। बोनी कपूर ने भले इस मूवी के सीक्वल बनाने से इनकार कर दिया है, हालांकि टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास मिस्टर इंडिया के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर इंडिया का सीक्वल अली अब्बास जफर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मूवी के लीड रोल में अली अब्बास जफर रणवीर सिंह को चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ना रिमेक होगा या सीक्वल, ये एक स्पिन ऑफ होगा। मूवी काफी बड़े स्केल में बनने वाली है। ये मूवी अभी तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। अली अब्बास जफर ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। अली अब्बास जफर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे। सूत्रों के मुताबिक अली अब्बास जफर मुगैम्बो के किरदार के लिए भी एक्टर की तलाश कर रहे हैं। इस किरदार के लिए वह सुपरस्टार को कास्ट करना चाहते हैं। मूवी साल 2022 में रिलीज हो जा सकती है। इसके अलावा अली अब्बास जफर एक फीमेल सुपर हीरो मूवी भी बनाना चाहते हैं। इस फिल्म में वह कैटरीना कैफ को लीड रोल चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बोनी कपूर भी मिस्टर इंडिया के सीक्वल पर काम कर रहे थे। इस मूवी में वह दोबारा श्रीदेवी और अनिल कपूर को ही कास्ट करना चाहते थे। श्रीदेवी की मौत के बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मिस्टर इंडिया के 32 साल पूरे होने पर बोनी कपूर ने कहा था कि मूवी के बाद लोगों का नजरिया श्री के लिए बदल गया था। वो एक पावरफुल एक्ट्रेस बन गई थी। अनिल को फिल्म में जबरदस्त लाइमलाइट भी दी गई थी। जब से फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने शेखर कपूर मशहूर फिल्म मिस्टर इंडिया का रीमेक बनाने की घोषणा की है, तभी से इसकी हर तरफ चर्चा है। हालांकि काफी बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। पहले ओरिजिनल मिस्टर इंडिया बनाने वाले डायरेक्टर शेखर कपूर ने इस पर नाराजगी जताई थी कि उनसे इस बारे में बात तक नहीं की गई और उनकी मूवी का नया वर्जन बनाया जा रहा है। अब इस मूवी में लीड कैरेक्टर निभाने वाले अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर आहूजा ने भी नाराजगी जताई है। सोनम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बारे में नाराजगी जताई है कि मिस्टर इंडिया का रीमेक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो शेखर कपूर और न ही अनिल कपूर को कोई सूचना दी गई है या उनसे सलाह भी ली गई है। सोनम ने यह भी कहा कि उनके लिए यह फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसमें टाइटल रोल उनके पिता ने निभाया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह काफी अपमानजनक है और अगर यह सच है तो किसी ने भी मेरे पिता या शेखर अंकल से पूछने की जहमत भी नहीं उठाई जिन्होंने इस मूवी को पूरे दिल और कड़ी मेहनत से बनाई थी। इससे पहले शेखर कपूर ने भी ट्वीट कर रखा था कि किसी ने ना तो मुझे बताया और ना ही मुझसे मिस्टर इंडिया 2 के बारे में चर्चा की है। मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूँ कि वे इस टाइटल का इस्तेमाल करके वीकेंड पर अच्छी कमाई करना चाहते हैं। इसके लिए वे बिना इजाजत के ये कहानी या किरदारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछले साल 2020 में ही अली अब्बास जफर ने इस मूवी की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि यह मूवी का रीमेक या सीक्वल नहीं होगा और इसमें लीड किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। बताया जा रहा है कि जफर ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। वेल, अब देखना ये होगा मिस्टर इंडिया में कौन कौन कास्ट होते हैं, रणवीर सिंह मिस्टर इंडिया के किरदार को कितना बखूबी निभा पाते हैं या नहीं। आप अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।